हाउ कैन यू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ? आप एक आरामदायक जीवन कैसे जी सकते हैं? वो जीवन जो ईश्वर की ओर से हो, वो जीवन जो वाकई परमेश्वर देना चाहता है। बाइबल कहती है वो एक आरामदायक जीवन है, वो एक मधुर जीवन है, आनंद से भरा हुआ जीवन है। आप कैसे उस जीवन को अपने इस प्रेजेंट वर्ल्ड में जी सकते हैं? अनेक संदेश आपने सुने हैं, मैंने भी सुने हैं। हम बाइबल का मनन चिंतन करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखते हैं। कई बार एक बात है जिसको हम सुनते हैं, समझते हैं, मगर कभी उसे संपूर्ण हृदय से लागू नहीं कर पाते। संसार में कई सारे लोग इस एक बात को लागू करने में असफल रहे हैं अपने जीवन में। माता पिता ईश्वर के द्वारा दिए गए एक वरदान है ताकि संतानें, बच्चे उनके द्वारा ईश्वर के स्वभाव की पहचान कर सके या ईश्वर का दर्शन कर सके। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया ताकि हम अपने जीवन से उसकी महिमा करें। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने माता पिता को अपनी महिमा करने के लिए संतानों को दिया। माता पिता ईश्वर के द्वारा दिए गए एक खास वरदान है बच्चों को, ताकि बच्चे अपने माता पिता के जीवन में ईश्वर के स्वभाव को देख सके, ईश्वर का दर्शन कर सके। निर्गमन 20 अध्याय 12 पद में हम 10 आज्ञाओं का विवरण पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। इफ यू रीड द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 12, निर्गमन 20 अध्याय 12 पद में लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो देश, जो स्टेट या राज्य, जो शहर या गांव परमेश्वर ने आपको दिया है, यदि उसमें रहते वक्त आप अपने अपने माता पिता का आदर करें, तो उसी देश, उसी राज्य, उसी शहर या गांव में आप बहुत दिन तक कुशलता से रहेंगे, मन के आनंद के साथ रहेंगे, एंड यू विल रिचॉइस। हम पढ़ते हैं फिलिपियों 4:4 में, ऑलवेज रिजॉइस इन द लॉर्ड, परमेश्वर में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मगर ईश्वर का वचन सत्य है, सत्य जीवन जीने वाला व्यक्ति ही इस वचन को अपने जीवन में संपूर्णता से देख सकता है। और सत्य ये है कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। And this is very wonderful and powerful blessings. बहुत दिन तक रहने का grace, वो भी आनंद के साथ रहने का grace हमको प्राप्त होता है। जो यह माता पिता है वो इस बात को जरूर सुने, बच्चे भी सुने, और बच्चे भी माता पिता है तो वो भी सुने और उनके बच्चे भी सुने। अपने बोली अपने पिता का और अपनी माता का मुझे आदर करना है, जिससे कि जो देश मेरे पिता ने मुझे दिया है उसमें मैं चैन के साथ, कुशलता के साथ बहुत दिन तक रहने पाऊं। व्यवस्था विवरण 5:16 पद में लिखा है, डियोट्रोनोमी चैप्टर 5:16, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है
उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। ना बहुत दिन तक तू रहने पाए मगर आनंद के साथ, वो भी भलाई के साथ। बहुत दिन संसार में रहना कोई श्राप नहीं होता। आज संसार में इतनी सारी संकट हैं, इतने सारे कलेश हैं, इतनी सारी पीड़ाएं हैं कि यदि आज इंसान से पूछे कि वो कितने वर्ष तक रहना चाहता है तो कहता है मैं आज ही चाहता हूं कि मेरा प्राण ले लिया जाए। और जो नई जनरेशन है वो ये कहती है बुढ़ापे से पहले मेरा प्राण निकल जाए। व्हाई? ओ माय ब्रदर सिस्टर, लॉन्ग लाइफ इज द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। बहुत दिन तक रहने वाला व्यक्ति इस बात को जाने, बहुत दिन तक जीना ये ईश्वर का अनुग्रह है, ये ईश्वर की आशीष है। प्रथम मनुष्य आदम जो ईश्वर की ओर से बनाया गया था 900 साल तक जीवित रहा था। मनुष्य 900 साल, 950 ऐसे ऐसे जिया करते थे, मगर जैसे जैसे पाप का विकास हुआ मनुष्य की जीने की उम्र कम होती चली गई। भजन संहिता में लिखा है पाप के कारण मनुष्य की उम्र 60, 70 और 80 तक पहुंच गई है। ईश्वर के द्वारा जो इंसान बनाया गया था 500-600 साल में तो वो जवान ही होता था, और आज इंसान एक बढ़ती हुई उम्र को देखना ही नहीं चाहता, वो बुढ़ापे से घबराता है। बहुत दिन तक जीने को वो श्राप समझने लगा है। नो ब्रदर सिस्टर, ईश्वर की दृष्टिकोण से सोचो, बहुत दिन तक तू रहने पाए, आनंद के साथ तू रहने पाए, कुशलता के साथ तू रहने पाए, यदि तू अपने माता पिता का आदर करे। निर्गमन 20:12 व्यवस्थापन 5:16 में भी हमने यही आशीष देखी है, जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ विद पीस विद ग्रेस ऑफ गॉड। इफिसियो 6:2 और 3 पद में भी हम ऐसा पढ़ते हैं, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6:2-3, इफिसियो 6:2-3 में, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, प्रॉमिस भी है, एक वादा भी है। क्या है वो? तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अ गॉड काइंड ऑफ लाइफ, ईश्वर के मन के अनुसार जीवन ये है कि इंसान बहुत दिन तक ईश्वर की भलाई और आनंद को भोगता हुआ अपना जीवन जिए। ये प्रॉमिस है, ये प्रतिज्ञा है, पर ये हासिल कैसे होगा? रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करो। आज इस संसार में हम रहते हैं, ये देखने में आता है समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स में ये खबरें देखने को मिलती हैं कि लोग आज कैसा बर्ताव अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। इसके विषय में मुझे कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इसे आए दिन समाचारों में, न्यूज चैनल्स में देखते हैं, माता पिता के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है। यदि लोग परमेश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में अनुसरण करते तो ओल्ड एज होम दुनिया में कभी नहीं होते। इंसान ईमानदार नहीं रहा, वो अपने अंदर अब ईमानदारी को लेकर नहीं चलता, उसे अपने ही माता पिता बोझ लगते हैं। किसी ने कहा बचपन में हर बच्चा कहता है मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां, मगर जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो जीवन में आगे बढ़ जाता है, तो वही बच्चे मिलकर कहते हैं ये तेरी मां, तेरी मां, तेरी। इंसान ने परमेश्वर की व्यवस्था से अपने आप को अलग कर दिया है, ईश्वर की आज्ञाओं से अपने आप को दूर कर दिया है, इसलिए वो ईश्वर के स्वरूप और समानता में दिए गए माता पिता को तुच्छ जानने लगा है। 3 बार परमेश्वर, 4 बार परमेश्वर कह रहा है यू विल हैव लॉन्ग लाइफ माई सन, माई डॉटर,
when you respect your parents. आज लोग ज्यादा उम्र, कई लोग ऐसे भी जो ज्यादा उम्र पाना चाहते हैं उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जल्दी से बुढ़ापा ना आ जाए, बहुत ज्यादा समय तक हम अपनी संपत्ति का सुख भोगते रहें, इसलिए अपने खान पान का ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मेहनत परिश्रम करते हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो इंजेक्शन की थेरेपी भी लेते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा दिन तक रहे। बट व्हाट द बाइबल सेज, जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड यू विल हैव लॉन्ग लाइफ। आपको कोई एक्सरसाइज, कोई इंजेक्शन, कोई चीजी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करो, बहुत दिन तक रहोगे, भला होगा, आनंद से रहोगे। जब परमेश्वर कहता है भला, आनंद और बहुत दिन, तो वो ये नहीं कहता कि तुम बेड रिडन हो जाओगे, बिस्तर पे पड़े होगे। आज अनेक माता पिता की ये प्रार्थना क्यों है, हे ईश्वर मुझे चलते चलते ले जा लेना, मैं बिस्तर पे नहीं पड़ना चाहता, ना पढ़ना नहीं चाहती। क्यों? कहीं ना कहीं उनके अंदर इस उनके जहन में ये बात है कि उनके बच्चे उनको सम्मान नहीं पाएंगे, वो उन्हें इस प्रकार से केयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनेक माता पिता की प्रार्थना ऐसी हो गई, मेरे प्रभु चलते फिरते ले जा लेना, बिस्तर पे पड़ने नहीं देना। ईश्वर ऐसी प्रार्थनाओं से दुखी होता है जो उसकी आज्ञाओं से आगे बढ़ जाते हैं। आज संसार में इसी प्रकार से दुख उठा रहे बच्चे भी और मां बाप भी। आज लोग माता पिता की संपत्ति, उनकी ओर से जमा किया हुआ धन को पाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, मगर जिनके द्वारा उन्हें वो ये संसार का सुख सुविधाएं हासिल होती हैं, उनको संभालने के लिए रात और दिन एक करने को तैयार ही नहीं है। संसार के लोग माता पिता की संपत्ति को प्रिय जानते हैं। मैंने पहले भी बताया और आज भी बोलूंगा, बाइबल में ऐसे दो बेटे हैं जो अपने पिता की ओर से आई हुई संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं कर रहे, वो झगड़ रहे हैं कि मरने से पहले मेरा पिता मुझे आशीर्वाद देते, मुझे आशीष देते। ईश्वर के दृष्टिकोण में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। अनेक लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग में अपने नाम को दर्ज करना चाहते हैं, पर वो ये नहीं जानते स्वर्ग जाने के लिए कैसी कैसी बातों में हमें स्थिर होना है, अपने आप को तैयार करना उस कैरेक्टर में जिसके द्वारा हमें स्वर्ग राज्य में प्राप्त होता है। ये काफी नहीं है कि आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखें, मगर आपको उन कार्यों को करके अपने विश्वास को सिद्ध करना पड़ेगा जिससे कि ईश्वर बाएं फैलाकर आपको स्वर्ग का राज्य दे। और वो दो बेटे और कोई नहीं, वो एसाव के दो बेटे याकूब और एसाव हैं। मैं इस कहानी को पढ़ना नहीं चाहता, उत्पत्ति 27 को, क्योंकि आप इसे पहले से जानते हैं। कैसे याकूब ने मेहनत की, मेरे पिता का आशीर्वाद मैं हासिल करके रहूंगा। एसाव भी अपने पिता का आशीर्वाद पाना चाहता था, मगर आप जानते हैं एसाव ने अपना आशीर्वाद खुद गवा दिया। एक पल के भोजन के लिए उसने अपना पैलौटे का पद बेच दिया। इसलिए आशीष अब याकूब की ही थी, क्योंकि वो बड़ा हो चुका था, क्योंकि वो अपने पिता की ओर से आने वाले आशीर्वाद को बहुत महत्वपूर्ण जानता था। वो कहीं ना कहीं ये जानता था, मेरे पिता की ओर से आई हुई संपत्ति कितने दिन में खा लूंगा, उसके दिए हुए घर में मैं कितने वर्ष तक रह लूंगा, शायद ये आज है कल नहीं होंगे। बाइबल क्या कहती है संसारिक धन और संपत्ति के विषय में, चंचल धन पर मन नहीं लगाना। संसार की संपत्ति और धन चंचल होता है। यह संभव है, इट इज पॉसिबल कि आपके मां बाप के वक्त में वो आपके पास हो, पर यह भी पॉसिबल है मां बाप के जाने के बाद वो शायद आपके पास नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है चंचल धन पर तुम भरोसा मत रखना, ये आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा और परसों किसी और के पास, मगर कुछ एक चीज है जो सदा तुम्हारे पास होगी अगर तुम उसे हासिल कर लेते हो। उसकी जानकारी ये दो बेटे रखते थे। पिता मुझे आशीर्वाद दीजिए, इसहाक ने वो आशीर्वाद हासिल कर लिया,
बाद में इसहाक भी आया आशीष पाने के लिए, मगर इसहाक ने कहा, तेरा भाई तेरा आशीर्वाद ले चुका है, उसे आशीष लगी भी रहेगी और मैं अब उसे पलट नहीं सकता। Now look at Esav, कैसे चीख रहा है, रो रहा है अपने पिता के आशीर्वाद के लिए। If you read the book of Genesis, chapter 27, verse 34 to 38, 34 और 38 पद में, उत्पत्ति 27 में, अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे, मुझको भी आशीर्वाद दे। एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है, यानी कि जो तूने मेरे भाई को दे दिया, एक ही आशीर्वाद तेरे मन में है, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फूट फूट कर रोया। सी द वैल्यू ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपके मां बाप से आने वाला आशीर्वाद कितना बहुमूल्य है, जिसके लिए एक बेटा फूट फूट कर रो रहा है। उसे मालूम है धन संपत्ति ज्यादा दिन तक नहीं खा पाऊंगा, यदि आशीर्वाद हासिल कर लिया तो मेरा जीवन बहुत वर्ष तक सुखमय होगा, भलाई से परिपूर्ण होगा और साथ ही ईश्वर के साथ होगा। पर आज के संसार में बच्चे केवल मां बाप की संपत्ति से प्यार करने लगे, उन्हें अपने माता पिता की जबान में आए हुए आशीर्वाद से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा करके वो ये दर्शाते हैं, हम अपने ही बल अपनी ताकत शक्ति से जीवन में आगे बढ़ेंगे। आई टेल यू द ट्रुथ व्हाट द बाइबल सेज, जिसके पास आशीर्वाद नहीं होता वो टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। इस संसार में अनेक ऐसी कहानियां हुई हैं कि धनवान मां बापों ने अपनी धन संपत्ति मरने से पहले बच्चों को दी, देनी भी नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिकली बच्चों की हो गई, मगर कुछ ही समय के बीतने पर बच्चे उस संपत्ति को खा नहीं पाए, टुकड़ों के भिखारी हो गए। इंसान संपत्ति और धन दौलत से नहीं जीता, ईश्वर के आशीर्वाद से जीता है। और लिखा, सच्चे मनुष्य पर बहुत सा आशीर्वाद उतरता है। सच्चा मनुष्य हु रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स होल हार्टली, मलाकी एक अध्याय 6 पद में लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भाई मानना कहां है। आप ईश्वर का आदर करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति जो विश्वासी अपने आप को कहता है वो पिता को खुश करना चाहता है, स्वर्ग के ईश्वर को महिमा देना चाहता है, उसके हृदय को आनंदित करना चाहता है, बट आप इसे करोगे कैसे? जैसे पिता, बाइबल कहती है हमारा सृजनहार है, हमारा ख्याल रखने वाला है, भले बुरे को सूर्य उदय दिखाता है, सबको भोजन वस्त्र जीवन देता है, उसी प्रकार से उसने एक केयरिंग का स्वभाव, ख्याल रखने का स्वभाव माता पिता को दिया है। बाइबल कहती है दुष्ट जन भी अपने बच्चों को रोटियां खिलाता है, क्योंकि यह स्वभाव है उसका जो ईश्वर से मिला है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखेगा। आधा पेट खा सकता है, खा सकती है, पर बच्चों को भूखा सोने नहीं देगा। द नेचर ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का स्वभाव ईश्वर ने उनके अंदर दिया। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरा आदर करना चाहते हो तो तुम अपने माता पिता का आदर करो, वो मेरा ही आदर होगा, तुम उनका सम्मान करो, वो मेरा ही सम्मान होगा। वचन मानकर आदर करो। इसहाक का बेटा याकूब ईश्वर का भाई मानता था, इसलिए वो अपने पृथ्वी पर के संसारिक पिता का भी आदर करता, उनका भाई मानता था। वो जानता था कि वचन में लिखा है
बुजुर्गों का आशीर्वाद जो उनके मुंह से निकलता है यहोवा की ओर से फलवंत हो जाता है। माता पिता की जबान पे जो आशीर्वाद होता है ग्रेट गॉड ऑलमाइटी उसे फलवंत करने की ताकत रखता है। हाय उन बच्चों पर जिनके माता पिता सांस छोड़ने से पहले एक भी आशीर्वाद उनके लिए नहीं निकालते क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से अपने मां बाप के साथ जीवन जिया ही नहीं होता। पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, परमेश्वर कहता है। यदि मैं स्वामी हूं तुम्हारा तो मेरा भाई मानना कहां है। कैसे दिखाओगे आप ईश्वर का भाई मानते? रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने मां बाप बड़े छोटों का आदर करो, ईश्वर का भाई मानना है, उनकी केयर करो, ईश्वर को आदर देना है। इफिसियों 6:1 में लिखा है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6:1, हे बालको, हे बच्चो, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, मैंडेटरी है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड यू हैव टू ओबे द कमांडमेंट्स। जो प्रभु में माता पिता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हे बालको, प्रभु में, ईश्वर में चलने वाले अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। यदि कुछ मां बाप ऐसे हैं जो ईश्वर के पीछे नहीं चलते, उन्हें तुच्छ मत जानो, प्रे फॉर देम, पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करो उनके प्रति। रिस्पेक्ट देम, लव देम एंड केयर देम, क्योंकि ये उचित है। क्या आप इस वचन को सुन रहे हैं? बहुत दिन तक की आयु, वो भी आनंद से और भलाई से भरी हुई, विदाउट बेड रिडन, ईश्वर आपको दे सकता है। और यह संभव है। इंसान अपने पाप को नहीं देखता, अपने जीवन शैली को नहीं देखता कैसे जी रहा है, पर वो अलग अलग बहाने बनाकर हम कैसे जिएंगे, मेरे माता पिता ने पुराना देसी घी खाया है इसलिए वो लंबी उम्र में पहुंच गए। नो, वो अपने माता पिता का भाई मानते थे इसलिए लंबी उम्र में पहुंच गए। देसी घी लंबी उम्र नहीं करता, आदर आज्ञाकारिता लंबी उम्र पहुंचाती है। हम नकली खा रहे हैं ना, इसलिए हम ज्यादा जिएंगे नहीं। क्या लिखा है यीशु मसीह ने? भोजन वस्तुएं प्रार्थना वचन के साथ शुद्ध हो जाती है। खून खा रहे हो यीशु मसीह का, कैसे बीमार पड़ सकते हो और कैसे अधूरी जिंदगी में जी सकते हो? ये बहाने मत बनाओ, पिता माता को आदर करो। यह आपके यहोवा की आज्ञा है, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा है। अपनी उंगली से लिखकर उसने वो व्यवस्था मूसा को दी थी। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू विल हैव लॉन्ग लाइफ विथ पीस एंड जॉय। यदि तुम अपने संसारिक माता पिता का आदर नहीं कर सकते तो प्रभु कहता है मेरा क्या आदर करोगे? मैं माता पिता के पीछे ही खड़ा रहता हूं। तुमने इन्हें प्यार किया, मुझे प्यार किया, तुमने इनका आदर किया, मेरा ही किया, तुमने इनके लिए दुआई की, मेरे लिए, मुझे ही ब्लेस। इवन बाइबल कहती है यू कैन ब्लेस द लॉर्ड टू, आप ईश्वर को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। पर लिखा है गलती से भी मन में ईश्वर को श्राप मत देना। मेनी टाइम्स में अपनी प्रार्थना में कहता लॉर्ड आई ब्लेस यू, जीसस आई ब्लेस यू। अपने माता पिता को आशीर्वाद भी आप दे सकते। जीसस क्राइस्ट ने संसार में रहने के दिनों में क्यों फरीसियों को डांटा था? बाइबल क्या बताती है? मैथ्यू चैप्टर 15:3-9, मत्ती 15:309 में लिखा है, मत्ती 15:309 में उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतियों को रीतु के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टाल देते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो, फरीसियों, तुम कहते हो
ऐसा सिखाते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था मेरे पापा मम्मी, जो कुछ मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था, मेरे द्वारा जो तुम्हें हेल्प मिल सकती थी, लाभ पहुंच सकता था, वो सब कुछ मैंने परमेश्वर को भेंट में चढ़ा दिया, दान दे दिया, ऑफरिंग में दे दिया, तो वे अपने पिता का आदर ना करे? सो तुमने अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म प्रदेश करके सिखाते हैं। इंसान की आज्ञाओं को ऐसे सिखाते हैं कि वो धार्मिकता है, इसे पहले जीवन में लागू करो बजाय कि ईश्वर की आज्ञा की माता पिता का आदर करो। मैं इसे क्लैरिफाई करूंगा आपके सामने, पर इसी के सिमिलर में एक और वचन सुने। मरकुस 7 अध्याय 10 से 13 पद में क्या लिखा है, मार्क चैप्टर 7 वर्स 10-13, क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। नो मर्सी एट ऑल, कोई दया नहीं, मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो यदि कोई अपने माता पिता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका ईश्वर के सामने, तो तुम उसके पिता व माता को कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। मैं परिवार को जानता हूं जिनका एक छोटा बेटा था। यहां पर यीशु फरीसियों को डांट रहे हैं जो अपनी कलीसियों को ऐसी शिक्षा देते थे, ईश्वर को पहले देखो, माता पिता को तो ईश्वर देख लेगा, तुम पहले ईश्वर को देखो। हां, देखना है ईश्वर को पहले, मगर उसकी आज्ञा का पालन करते हुए। जिन मां बाप ने आपको जन्म दिया, आधा पेट खा के आपको खिलाया, आप नहीं जानते हो कैसा स्ट्रगल किया होगा उन्होंने। आज हम स्ट्रगल करते हैं, अब हमें समझ जाना चाहिए कि उन्होंने स्ट्रगल क्या किया होगा। ये मत कहो वो पुराना जमाना था, सस्ते जमाने थे, उनके लिए बड़ा ईजी था। ना, उनके समय पर उनके लिए चुनौतियां थी, हमारे समय पर हमारी चुनौतियां हैं। आई टेल यू द ट्रुथ, जो अपने माता पिता और ईश्वर के सिनेरियो में जीवन नहीं जीता वो लॉर्ड्स प्राइम मिनिस्टर का मेंबर भी नहीं हो सकता। एक बेटा था, एक सेवा के संपर्क में आया, अच्छी बात है, उसका जीवन बदल गया, उसका उद्धार हो गया। देन फाइनली वो चर्च के प्रति, चर्च की सेवा के प्रति बहुत ईमानदार होने लगा, पर एक गलती हो गई, वो अपने माता पिता को नहीं दिखता था। एक दिन उसकी बूढ़ी मां मेरे सामने रो के मुझे कह रही थी, ब्रदर घर में खाना बनाने के लिए सिलेंडर खत्म हो गया। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम एक सिलेंडर जल्दी से अपनी मां को दे दो जिससे कि मैं तुम्हारी बहन और उनके बच्चों को खाना खिला सकूं। नहीं मम्मी, वो सिलेंडर तुम्हारा नहीं है, मैं अपने चर्च के पादरी को दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मुझे चर्च की सेवकाई के लिए देना है। और उसने वो सिलेंडर चर्च में दे दिया, चर्च के लोगों का पेट भर दिया, पर अपनी मां को उसने भूखा छोड़ दिया। समझ से कहा, ब्रदर क्या बाइबल ऐसा कहती है? मेरा बेटा अच्छी बात है प्रभु के संग चल रहा है, पर वो मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, मैं तुम्हारे इलाज कैसे करूं, मैं तुम्हें कैसे अच्छे हॉस्पिटल में रख सकता हूं, मुझे सेविकाई को दान देना पड़ता है, मुझे ईश्वर को पहले देखना है। मैं चुप हो जाती हूं, ब्रदर कि ये बात सच है, मैं किससे मांगू, मेरी कौन सहायता करेगा? वो चर्च और चर्च के पादरी को ही खुश करने में लगा रहा, पर उसने अपनी बूढ़ी मां पर कभी ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि वो ईश्वर की सेवा कर रहा है? जहां वो सीख रहा है उसका पासबान फरीसी के समान ही होगा, जो कहता है सिर्फ ईश्वर को देखो, माता पिता को ईश्वर देख लेगा। और यीशु मसीह इसीलिए फरीसी को डांट रहे थे, हाय तुम पर कि तुम ऐसी शिक्षाएं सिखाते हो ताकि तुम्हारी जेबें ठंडी ना पड़ जाए, तुम्हें ही सारा दान ऑफरिंग मिलता रहे, अगर वो अपने मां बाप को दे देंगे तो तुम्हारी घटी हो जाएगी।
पर यीशु ने कहा, अपनी आज्ञाओं को धार्मिकता में मत समझो, ईश्वर की आज्ञा का वचन मत टालो। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू विल हैव लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। आप इन सबको छोड़ नहीं सकते। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मिली हुई जिम्मेदारियों से आप मुकर नहीं सकते। पहले मां बाप 10-10 बच्चे पैदा करके भी दसों को पढ़ा देते थे, पाल देते थे, कामयाब कर देते, और आज वही 10-12 बच्चे दो मां बाप को नहीं पाल सकते। इसलिए जीवन में दुख है और इसलिए संसार दुखों से पीड़ित है, कलेशों से पीड़ित है। आप पूछते हैं क्यों इस संसार में तकलीफ है? बाइबल में लिखा है इंसान ने खुद ये तकलीफ अपने लिए शुरू की है, क्योंकि वह स्वार्थी बन गया। और एक बेटे को मैं जानता हूं, मुझे दिल्ली में उसके साथ मुलाकात हुई थी, मेरी आत्मा बहुत रोई थी उससे मिलने के बाद। अपने बूढ़े माता पिता को वो पीटता था, मारता था उन्हें। उसके बाद साल में 2 बार इज़राइल की यात्रा करने जाता था, उस गुलगुता पहाड़ी पर घुटने टेकता था जहां क्राइस्ट ने घुटने अपनी जान दे दी हमारे लिए। बूढ़े माता पिता को मारना, पीटना, तिरस्कार करना, उसके बाद इज़राइल की यात्रा करने से क्या सोचता है? उसे स्वर्ग मिल जाएगा, उसे जीवन मिल जाएगा? यह उद्धार नहीं होता। परमेश्वर की आज्ञा अपने माता पिता का आदर। माता पिता और बड़े छोटों को आपने डिसरिस्पेक्ट किया, आपने इज़राइल के परमेश्वर को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, वो आपकी नहीं सुनने वाला कुछ। फिर उसके बाद अब चाहे आप इज़राइल की यात्रा करो, यीशु की कब्र में जाके सो जाओ, कोई जीवन नहीं मिलने वाला। नीति वचन 30:17 में लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता या माता पर अनादर की दृष्टि करे, यानी कि अपने माता पिता को तुच्छ जाने, अपमान के साथ अपनी माता की या पिता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। यहां पर जो उकाब है और के बच्चे हैं और कौवे हैं, ये नर्क की पीड़ा है। ईश्वर ने वहां भयानक जानवर भी रखे हैं जो इस शरीर की इंसान की आत्मिक शरीर को चीर के खाएंगे। वहीं हो रहा है यह सब कुछ। यह कहने का मतलब है, ठीक है जीते रहो, जीते जी तुम इस बात का एहसास नहीं होगा कि तुमने क्या बोया है। नरक में जाने के बाद तुम इसकी कटनी काटोगे, जब वहां के क्रूर दुष्ट आत्माएं और क्रूर जानवर जो ईश्वर ने सजा देने के लिए रखे हैं वहां पर, वहां के फोड़ फोड़ के खाएंगे, और तब एहसास होगा मैंने अपने माता पिता को तुच्छ जाना, मैंने अपने बड़ों का आदर नहीं किया। मेरे पिता के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे, मैं भी ऐसी दुष्ट संसार में पैदा हुआ हूं जहां पर मैंने अनेक लोगों को माता पिता को डिसरिस्पेक्ट करते देखा था। बचपन में हमेशा ऐसे ही लगता है कि क्यों है ये हमारे ऊपर, ये क्यों हमारे मन के मुताबिक हमें जीने नहीं देते, क्यों मैं हर वक्त इनकी बात माननी पड़ती है, इनके हिसाब से खाना पीना पड़ता है, इनके हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं, इनके हिसाब से आना जाना होता है। मैं कब छुटकारा पाऊंगा इन सब बातों से? मेरे अंदर भी ऐसी बातें थी। मैं कन्या जाति परिवार में जन्मा हूं, मेरे माता पिता भी अन्य जाति थे, उन्हें भी ये कभी रहस्य समझ में नहीं आया। मैंने कभी कोशिश नहीं की मेरे माता पिता कैसे पाला होगा, मैंने इसे जानने की कभी इच्छा भी नहीं जताई, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे सब कुछ अच्छे से मिला था। बस अच्छाई के पीछे कितने आंसू होंगे, कितनी चुनौतियां होंगी, कितनी पीड़ा होगी, इस बात का एहसास मैंने कभी नहीं किया था। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मैं अपने पिता के साथ लड़ता था, झगड़ता था। कई वक्त तो ऐसा आता था कि मैं उनके साथ खाना ही नहीं खाता था, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं होती थी।
मगर यीशु मसीह को जान लेने के बाद मेरे अंदर बड़ा परिवर्तन आया। मैंने अज्ञानता में, अनजाने में वो सब अपराध किया था, मगर प्रभु यीशु को जानने के बाद मेरे अंदर पहली बार ये बातें आई थी। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने पापा से गले लगकर बहुत रोया था और मैंने उनसे वो सब बातों के लिए माफी मांगी थी जो मैंने उनके साथ किया था। मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी, डिसरिस्पेक्ट किया, उन्हें अपना शत्रु समझा। मैं सब बातों के लिए रो रो के माफी मांगी और उसके बाद उन्होंने मुझे माफ किया। आज वो संसार में नहीं, पर मुझे इस बात की इतनी तसल्ली है कि संसार में सोने से पहले उनके हाथों ने मेरे सर पर हाथ रखा था और मुझे आशीर्वाद दिया था। मैंने वो प्राप्त कर लिया। ये वचन से सीखा था मैंने। मेरे ग्रैंडफादर को बहुत तकलीफ थी मरने से पहले, उनकी मुंह का कफ में अपना हाथ डाल के साफ किया करता था, उनको गोद में उठा के मैं लाना ले जाना करता था और अपने हाथों से खाना खिलाता था। मरने से पहले उनका शरीर सूख गया था, उनके शरीर पे स्केल्स बन गए थे जैसे कि मछली के होते। मैं उनको अपने हाथों से उखाड़ता था और उनके शरीर को तेल से चमकाता था। उनकी ड्रेसिंग, उनका सब कुछ मेरे हाथों में था। मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि मैं जान गया था बहुत दिन तक आनंद के साथ बिना बिस्तर के मैं कैसा जीवन जीऊंगा, मुझे उसके लिए वो खरीदना था। मैंने किया अपने ग्रैंडफादर का, मैंने अपने पिता का भी किया। मैंने माफी के बाद अपने कामों सहित इसको दर्शाने की कोशिश की। धन्यवाद करता हूं अपने ईश्वर का कि मुझे वो वक्त मिला करने का। तभी मैं जानता नहीं था मेरे माता पिता बहुत जल्दी संसार से चले जाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था जो सुख सुविधा उन्होंने मुझे दी, शायद मैं वो दे नहीं पाऊंगा उन्हें, मगर मुझे इतना ग्रेस मिले कि मैं उनके दिल में ये शांति दे पाऊं कि मैं उनका एक बेटा अच्छा था। वो वक्त आया। हम संसार में रहते हैं, हम संसार में माफी मांगकर उनके दिल को शांति दे सकते, उनकी बातों को मानकर शांति दे सकते अगर वो कुछ सही बात कह रहे हैं, नहीं भी कह रहे हैं तो आदरपूर्वक समझा के कर सकते, पर उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है वो आज नहीं समझ रहे, कल जरूर समझेंगे। ये मसीहत है, ये मसीहत है जिसने मुझे बदला, मेरे दृष्टिकोण को बदला माता पिता को लेकर। आज वो नहीं है हमारे बीच, पर मैं आज हर एक मां बाप के लिए खर्च होना चाहता हूं। और आज बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे, हमारे माता पिता बहुत कुछ करते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपकी, आप माता पिता से, आप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं इसे कभी छुपाओ मत, उन्हें बताओ, उन्हें एहसास दिलाओ कैसे किसी चुनौतियों का सामना करके आप उनको तीन वक्त का खाना खिलाते हो, कितना मेहनत कर रहे हो आप उन्हें पढ़ाने लिखाने में। यदि आप उन्हें बात बताओगे नहीं ना, तो उनको लगेगा उनको कोई, उनके साथ बड़ा आनंद का समय रहा है, आपने उनको बड़े आनंद से पाल दिया। इब्रानी 12 में लिखा है, हमारा ईश्वर यह एहसास दिलाता है हमें कि वो हमें कैसे पालता है। लिखा है वो हर एक संघर्ष और तकलीफों से हमें लेके जाता है। वो जानता है हम जिस भयानक संसार में रह रहे हैं, यहां पर हम बहुत रोएंगे, इसलिए वो हमें आंसू का एहसास दिलाता है। वो हमें हर एक चीज का एहसास दिलाता है कि वो हमें कैसे पालता है। अगर मुझे वो एहसास नहीं होता तो मैं अपने माता पिता के साथ अपना रिश्ता अच्छा नहीं कर लेता। मेरे दादाजी मरने से पहले मुझे ही पहचान पा रहे थे, मेरी पत्नी को, और मुझे आशीर्वाद देके गए। मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आज बूढ़ों के प्रति, बड़े छोटों के प्रति मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है। आई लव देम वेरी मच। अगर मेरे जीवन में कोई बात की घटी है, मुझे सिर्फ उनका आदर करना है, मेरी घटी बहुत जल्दी पूरी होगी। आप इतना परिश्रम क्यों करो, आप सिर्फ आदर करो, ईश्वर आपके लिए खजाने खोल देगा।
आपके माता पिता के आते हुए चंद रुपए आपको कभी नहीं पाल पाएंगे, मगर आशीर्वाद आपको पालेगा। अपने बच्चों को कभी मत छिपाओ कि आप उनका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, उन्हें बताओ कि हम कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, ताकि बच्चों को अभी से समझ में आए, कीमत का अंदाजा ना हो मगर उन्हें जीवन का अंदाजा हो जाए। अपने माता पिता को हक देना सीखो जिसके वो हकदार हैं। पहले तिमुथियुस 5:4 में लिखा है, 1 Timothy 5:4, यदि किसी विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हो, यहां पर ऐड कर दो एक ऐसा पिता भी जिसकी पत्नी भी ना हो बस उसके नाती पोते हो, तो वह पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। यह ईश्वर को भाता है कि आप उनके अपने माता पिता का आदर करें, उनका हक उनको जरूर दो, उन्हें तुच्छ बिल्कुल मत जानो। इसाक अंधा हो चुका था, एज फैक्टर था, धुंधली पड़ गई थी उसकी आंखें, तो भी याकूब ने कितना रिस्पेक्ट किया, मन के मुताबिक भोजन पकाया, खिलाया और कहा पिता मुझे अब आशीर्वाद दे दे। इसाक केवल अपने पिता की भौतिक वस्तु के पीछे भाग रहा था और इसाक अपने पिता के आत्मिक आशीर्वाद के पीछे, इसलिए इसाक का सिर्फ नाम बाइबल में है, मगर इसाक के बेटे याकूब का ना सिर्फ नाम बाइबल में है पर उसके नाम से आज एक देश है पूरा, क्योंकि उसने अपने पिता का आशीर्वाद पा लिया था। जिंदगी ऐसे जियो कि अपने पिता के नाम पर सड़कें खोल दो, जीवन ऐसा जियो कि एक लेगेसी छोड़ के जाओ कि भारत सरकार का पोस्ट ऑफिस आपके नाम से टिकट घोषित कर दे, सड़कों के नाम आप पर हो जाएं, जैसे बाइबल में लिखा है धर्मी जन का नाम कभी नहीं मिटेगा, आपका भी नाम हो आपके माता पिता का भी। माय ब्रदर सिस्टर, नीति वचन 6:20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान, अपनी माता या पिता की शिक्षा को ना तज, तुझ मत जानो उनकी टीचिंग्स को। हाँ, बच्चे जरा सा कमाते नहीं है कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा या जीऊंगी, पर अपने माता पिता के लिए कुछ करने को तैयार नहीं होते। यीशु को जानने के बाद मेरे अंदर परिवर्तन आया था। मेरे मामा, मेरे माता पिता, मम्मी भी जब जिंदा थी, यदि उन्हें कहीं बाहर जाना होता तो मैं बड़े गर्व से उनके टिकट खुद बुक करता था, ताकि उनको एहसास हो कि उनका बेटा कर रहा है। आज बच्चों के अंदर ये चीजें नहीं है, बस मेरा कितना हो जाए यही अच्छा। आई टेल यू द ट्रुथ, जितने भी ऐसे बच्चे जवान हो आप सोच रहे हो कि बस आपका जमा हो जाए, माता पिता कुछ ना करें, आप आई टेल यू द ट्रुथ, आप इतनी घटी में होके जाओगे भविष्य में, आप जो कल्पना कर रहे हो ना सक्सेसफुल लाइफ, वो कभी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिखा है बढ़ोतरी ना जमीन से आती, ना इधर से, ना दाएं से, ना बाएं से आती, ना जमीन से आती, मगर इसराइल के परमेश्वर की ओर से आती। एक बार अगर अपना आशीर्वाद हासिल कर लिया, आपके पांव जमीन पे फिर कम पड़ेंगे। खर्च करो अपने आप को, अपने माता पिता की केयर करो। आपको नहीं मालूम कि उन्होंने आपको पालने में क्या परिश्रम किया। सो ये वचन कहता है Proverbs 6:20, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता या पिता की शिक्षा को ना तज। इसका मतलब क्या है? मम्मी पापा ये शिक्षा, इसे सुनिए, गहरी बात बोल रहा हूं, माता पिता ये शिक्षा तो देते ही हैं, बेटा बाहर नहीं जाना, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना, ये वो होता है, पर यहां पर क्या मतलब है कि माता पिता की शिक्षा को ना तज, अर्थात ऑब्जर्व दियर हिडन टीचिंग्स, उनकी छिपी हुई उन शिक्षाओं पर ध्यान दो जो आपको बड़ा करते करते हुई है पर आप उस पर ध्यान नहीं देते। क्या ध्यान? मैंने खाया, मेरे माता पिता ने खाया कि नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, उसके पीछे का रीजन क्या था, मेरी फीस तो आ गई मगर पापा ने दी कैसे, उनकी छिपी हुई शिक्षाओं पर, उनकी छिपी हुई चुनौतियों को शिक्षा समझो अपनी, तब आप भी आगे चलकर कामयाब व्यक्ति बनोगे।
हमें यह याद नहीं रहता कि उन्होंने हमें कैसे पाला। ये छिपी हुई जो शिक्षाएं होती है ना, किस तरीके से वो हमें संभालते हैं पालते हैं, इस पे अगर ध्यान दोगे तो देन ऑलरेडी यू स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। माता पिता भी बड़े अच्छे हैं, वो दिखाते ही नहीं है कि हम कैसे पाल रहे हैं। कभी मत छिपाओ अपने बच्चों से, जब आप उनको पालते हो तो उनको ये बताओ किस तरीके से आप उन्हें पाल रहे हो, ताकि अभी से उनको समझ में आए वैल्यू लाइफ क्या होती है, मां बाप का परिश्रम क्या होता है, क्योंकि एक दिन वो भी मां बाप बनने जा रहे हैं। सेक्रीफाइस करना सीखो, मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करो प्रैक्टिकली, देन यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ, ना सिर्फ इस संसार में, संसार से जाने के बाद स्वर्ग में भी। क्योंकि प्रभु ने कहा था अपने पिता की आज्ञा मानना, मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें, एंड आई एम वेरी हैप्पी, बस मैं इस बात से खुश था तो वो मेरे पास था, अंतिम दिनों में मेरी गाड़ी में थे, मेरे साथ खा पी रहे थे, और मरने से पहले उन्होंने बस मुझे आशीर्वाद दे दिया, मैं हासिल कर चुका हूं जो मुझे चाहिए था। इसलिए अपने माता पिता की छिपी हुई शिक्षाओं पर ध्यान दो, जो वो आपको मुंह खोल के नहीं बताते, पर आप इस पर ध्यान दो। लय व्यवस्था लेविटिकस 19:32 में लिखा है, पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना, बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। नीति वचन 23:22-25 पद में लिखा है, अपने जन्माने वाले की सुनना, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जन्म देने वाली मगन हो जाए, ऐसा जीवन जियो के मगन हो जाओ, आपकी माता पिता मगन हो जाए। कैसे प्राचीन काल के विश्वासियों ने अंतिम सांस छोड़ते हुए अपने बच्चों को आशीर्वाद का देकर कहा, मेरे बाद यहोवा तुम्हारा ख्याल रखेगा क्योंकि तुमने अपने बूढ़े मां बाप का ख्याल रखा। चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, कमाओ 60 साल तक तो कमाओगे अगर ईश्वर ने जिंदगी दी, पर 60 के बाद हाथ फैलाने के दिन कभी भी आ सकते हैं, और यदि आप चाहते हो वो दिन कभी ना आए, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने बड़ों का छोटों का आदर करो, सिर्फ मां बाप ही नहीं बड़े छोटे का आदर करो। कुलुसियों 3:20 में लिखा है, हे बालको सब बातों में अपने माता पिता के क्या आज्ञा पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अब मैं खास बात मां बाप से कहना चाहता हूं, मेरी अब आगे की टीचिंग्स माता पिता के लिए है। मेरे माता पिताओं, अगर परमेश्वर ने आपको उच्चतम दर्जा दिया है कि आपको रिस्पेक्ट मिले, हाईली रिगार्ड्स मिले, तो आपसे भी परमेश्वर कुछ एक्सपेक्ट करता है कि आप भी अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनो, उनके लिए आदर्श बच्चे मां बाप बनो। फिर आप कुलुसियों 3:21 में लिखा है, कुलुसियन चैप्टर 3:21, हे बच्चों वालों अपने बालकों को तंग ना करो, ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए, उन्हें परेशान मत करो, उनके लिए आदर्श बनो, रोल मॉडल बनो, इस तरीके से उनके सामने जीवन मत जियो कि उनका साहस टूट जाए कि वो भविष्य में माता पिता बनना नहीं चाहते। अनेक संसार में आज ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं आज हम बिगड़े इसलिए हैं, हमने अपने मां बाप को देखा बुरी दुर्दशा में कैसे जीते आए, वो अपने मां बाप को मारते पीटते थे, वो गलत कामों में रहते थे, हमने अपने मां बाप से कुछ भी अच्छा नहीं सीखा, इसलिए हम कठोर हो चुके हैं। मैं एक ऐसे बेटे से मिला था अपने जीवन में, वो बहुत स्मोकिंग किया करता था, बहुत शराब पीता था। मैंने पूछा क्या आपको कभी आपके माता पिता ने डांटा नहीं, तो क्या कहता है, बचपन से मैं अपने पापा को देख रहा हूं ये करते हुए, गालियां देते हुए, मां बाप का अनादर करते हुए, मैंने अपने मां बाप से ही सीखी है ये सारी बातें, अगर वो सही होते तो बचपन में मुझे डांटते और आज मैं इस चीज का आदी नहीं होता। मेरे पिता ने तो खुद मुझे शराब पिलानी सिखाई है। ऐसे भी मां बाप हैं, मां बाप भी दुष्ट हो रहे हैं संसार में, वो भी ईश्वर की शिक्षा से आगे बढ़ रहे हैं। मत जियो ऐसा जीवन कि बच्चों का साहस टूट जाए
कि वो अच्छे मां बाप नहीं बनेंगे, वो दुखी हैं, कल को वो अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा सर्वनाश बन जाएंगे। हे बच्चे वालों, मां बाप को कह रहा है खुदा, उन्हें तंग मत करो, उनके रोल मॉडल बनो, ऐसी जिंदगी उनके सामने जियो कि उनको मिले मैं भी अपने पापा के जैसा बनूंगा। इफिसियों 6:4 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आपके हाथों में वो बाइबल देखें, आपकी बातचीत बच्चे सुनते हैं, आप कैसी बात मां से करते हैं उनकी, कैसे पड़ोसी से करते हैं, अकेले में पीठ पीछे क्या जिंदगी आपके, आपके बच्चे ज्यादा देखते हैं इसको, कल को वो भी मां बाप बनेंगे, वो ऐसे खराब मां बाप बन जाएंगे। अच्छे मां बाप बनो आप। तीसरा योहन्ना 1:4 में लिखा है, 3 John 1:4, मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते, अर्थात ऐसे मां बाप बनो कि जब आपके बच्चे जीवन में कामयाब हो तो आप क्या सुने, मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, क्योंकि मां बाप सत्य पर चलते हैं। मैं कई बार अपने जीवन से ही आपको शिक्षा देता हूं, मैं भी अन्य जाति था, मेरे पिता माता भी, मेरे पिता का कोई मित्र उनसे मिलने आया और मुझसे कहा, मेरे पापा ने जाकर बोल दो पापा घर में नहीं है, वो मुझसे झूठ बुलवा रहे थे, ऐसा इसलिए क्योंकि खुदा को नहीं जानते थे। पर आप जो मां बाप बैठे हो, आप खुदा को जान गए हो, आप ही अपने बच्चों को सिखाओगे गलत काम करना, कल को वो भी गलत ही मां बाप बनेंगे, क्योंकि आपका ही ब्लड है उनके अंदर। प्रभु की शिक्षा और प्रभु की चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, ये तभी कर पाओगे मां बाप जब आपके अंदर खुदा की शिक्षा होगी, जब आपके अंदर खुदा की चेतावनी होगी, आपके अंदर जब ईश्वर के द्वारा पालन पोषण होगा, आप अच्छे से अपने बच्चों को पाल पाओगे। नीति वचन 17:6 में लिखा है, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। क्या है आपकी शोभा? माता पिता की गाड़ियां नहीं, बड़े घर नहीं, पैसा सेविंग्स नहीं, पर वो खुद आपके लिए बड़ी प्रॉपर्टी है। आज जिनके पास माता पिता नहीं है ना, उनसे पूछो। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो बहुत जल्दी जाएंगे, पर मुझे सीखना था। बहुत दिन तक रहने के लिए, वो भी आनंद के साथ रहने के लिए, खुश नुमा जीवन जीने के लिए जिसमें ईश्वर की आशीर्वाद हो, तो अपने बड़े छोटों का, अपने माता पिता का आदर करो। क्या मेरे प्रभु ने आपसे बातें की? मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस टीचिंग्स इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द माइटी होली स्पिरिट। आमेन।